कि मोदी सरकार ने किस तरह पत्रकारों पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकार पर हमला बोलने का मतलब यह है कि आप देश की आवाज को दबाना चाहते हैं। पत्रकार पर हमला करने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जनता बीड़ी हो जाए। मोदी जी, यह कभी संभव नहीं होगा। चाहे आपके पास कितना भी अंबानी अडानी किसी का भी फंड हो जाए, आप एक सपने में जी रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान का एक एक नागरिक के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति आस्था जिंदा है, वो भी तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया के यहाँ जब ईडी का रेड पड़ा, 71 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ, क्या हुआ मोदी जी? क्या सेटलमेंट हो गया था कि नहीं किया था? क्या हुआ मोदी जी? सेटलमेंट की राजनीति करते हो, सेटलमेंट की राजनीति, और जनता को बेवकूफ बनाते हो। करो अरेस्ट ये बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया को। अरे मोदी जी, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। भ्रष्टाचारियों की सरदार मोदी सरकार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के एसटी बस डिपो के यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो हाथ में बैनर तख्ता लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध किस चीज का है कि पिछले दिनों 2 अक्टूबर को कुछ पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, कुछ पत्रकारों को ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसमें विशाल शर्मा और भी कई नाम है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो सांसद है दिल्ली से, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसी विषय को लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी समेत कई लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका एक कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो गिरफ्तारियां की जा रही है वो एक तरफा गिरफ्तारियां है, और एक तरफा कहीं ना कहीं सरकार, दिल्ली की मोदी सरकार, द्वेष में आकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कोई किसी तरह के पुरावे नहीं होने के बावजूद ईडी को आगे लगाकर कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं दबाव तंत्र बनाया जा रहा है, तो ये आरोप है। और आज लोग यहाँ जमा हुए हैं, इसमें कई पार्टियां और कई सामाजिक संगठन मौजूद है, सब मिले जुले हैं, कोई पार्टी के बैनर तले नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी बुद्धिजीवी लोग है जो अपना एक विरोध प्रदर्शन दिखा रहे। अब मेरे कलाई के ऊपर भी एक काली पट्टी देख सकते हैं, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, और आज जब इस तरह से पत्रकारों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन में मैं भी खुद शामिल हूँ। और कहीं ना कहीं देश की मोदी सरकार जो इस समय लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, उसके खिलाफ सब खड़े हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं, सीधे ले चलते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या कहेंगे आंदोलन इस हिसाब से है, दिल्ली में जिस तरह से पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है, इसको डरा रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह, उसी ऊपर कार्रवाई हो रही है, ईडीसीडी की कार्रवाई हो रही है, ये सारे बातें ध्यान देते हुए ये पता चलता है कि ये सरकार, मोदी सरकार डरी हुई है। जो कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर खिलाफ बोलते हैं, तो उसको डराने की कोशिश में उनको कार्रवाई की जाती है। एक तरफ बिना सबूत के पत्रकारों को, दूसरे सांसदों को ऐसे में केस उठा दिया जा रहा है जहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं, वहीं दूसरी तरफ खुद पुलिस की चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह जैसे के नाम आ गए कि इन्होंने लड़कियों को मोलेस्ट किया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, इससे क्या कहा? बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, यही बात हम कह रहे हैं। भूषण सिंह बोलो, नारायण राणे बोलो, और ऐसे कई जो अपराधी है, गुनेगार है, भ्रष्टाचारी है, इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई, पहले उसका नाम था, वैसे ही वो लोग सब भाजपा में है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा मणिपुर में, देखो आप मणिपुर में एक सैनिकों की पत्नी को नंगा घुमा गया, क्या कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक 200 लोगों को अरेस्ट करने की कार्रवाई हो चुकी है, हो चुकी है। पुलवामा में जो हत्याकांड हो चुका है, उसका क्या रिजल्ट है? कहां से आया वो आरडीएक्स, पता नहीं चला। अभी चुनाव आते हैं, ऐसी घटना घटती है, और सब ये इस तरह से लोगों में दहशत फैलाते हैं। अभी हमारे साथियों ने भी कहा, कभी भी देखो मुस्लिमों का आगे तय किया जाता है, मुस्लिमों के ऊपर कोई भी गुनाह करेगा बस मुस्लिमों का नाम लेगा, ये लोगों ने किया, ये लोग जो शुरू है। इस तरह से लोगों को विभाजित करके
क्योंकि वो खिलाफ भड़का के एक वो लोग हिंदू कार्ड बनाते हैं और उसके ऊपर वो सत्ता अलग करना चाहते हैं। और ये 2023 में मोदी सरकार की जमीन खिसक रही है, इसके लिए वो बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल आपने जो बात मेरे में मुँह से आपने खुद कही है, यही बात हम आपको कहना है। आपके इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल है? हमारे आंदोलन आम आदमी पार्टी है, महाशय दल सेक्युलर है, साथ साथ राष्ट्रीय सेवा दल संगठन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, और साथ साथ में निर्भय जन संस्था भी है, अनेक संगठन में है। एक कल के ऑफिस में आज हम तक जमी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही कहूंगा जो जॉन सर ने कहा है, एक अघोषित आनी-बानी है, जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसको ईडी या कोई भी कानून के तहत उसको अंदर करना है, उसका चार्जशीट सबमिट नहीं करना है, उसको जेल के अंदर रखना है, उसको सड़ा के रखना है, ये सब चीज चालू है। मगर ये चीज आम लोग भी देख रहे हैं, तो आम लोग भी यही सोच रहे हैं कि ऐसी सरकार जो आज दाल तेल ये जो महंगाई है ये भी उनकी देन है, ऐसे बहुत सारे आम लोगों में उनके खिलाफ रोष है और ये रोष दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। और जैसे आपने ही कहा 2024 के अंदर उनके पैर के नीचे की मिट्टी खिसक रही है, तो ये सही बात है। इसीलिए मिट्टी खिसक रही है तो ये आम जनता है उनको ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिकली नहीं करना है। जो ज्यादा एजुकेटेड होएगा वो हमारे खिलाफ बात करेगा। इसके लिए जो पत्रकार है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे दोस्त जॉन साहब ने कहा था कारगिल युद्ध में जो आदमी ने सहभाग लिया था उसकी औरत को जब नंगा घुमा देता है और उसके ऊपर अभी तक चार्जशीट नहीं सबमिट करता है, तो ये क्या देश का हालत सही है? ये सोचने का वक्त अभी आया है और मेरे को लगता है कि आम जनता इसके बारे में 101% सोचेगी। और 24 के पहले भी लोगों में इतना रोष है तो कुछ भी करो बीजेपी को हटाना है, क्योंकि सब लोगों ने देखा कोई भी गुनहगार हो, कोई भी गुनहगार हो तो बीजेपी में जाता है तो धुला के आता है वॉशिंग मशीन से, ऐसी सिचुएशन है। अगर ये वॉशिंग मशीन से धुलाने वाली बात जो है तो हम लोग हंसी मजाक लेते हैं, अगर सीरियस लेंगे तो ये बहुत गलत बात चल रही है इंडिया में। इस वजह से इंडिया का नाम भी पूरे देश में बहुत अलग तरह से अभी लोग लेने लगे हैं। शायद कई कई देश में हिंदू मुस्लिम के बारे में जो बात ये लोग करते हैं, आरएसएस के बारे में जो बात करते हैं, इसके बारे में बहस होती जा रही है और बहुत अलग अलग ढंग से उनको एक समझ में आ गया है कि आने वाले 2024 में कोई भी हालत में हम लोग नहीं आ सकते। तो कम से कम जितने दिन है उतने दिन हमारे विरोध में जो भी लोग हैं उनको दबाया कैसे जाए, यही बात चालू है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण शेख है, मैं महाराष्ट्र स्टेट इंडिया जी क्षेत्र स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जेडीएस का जेडीएस जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 80 साल की। उम्र का सवाल इसके लिए पूछा कि एक तरफ देश का नौजवान जो है घर में बैठा है और आप देश के लिए बाहर निकले हैं, आपने हाथ पे काली पट्टी बांधी है, कहीं ना कहीं आंदोलन में भाग लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार किस तरह से लोगों का दमन कर रही है? आज लोकशाही जैसा है ही नहीं, इसी दिशा इतना दमन चलाता है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट को भी दबा के रखा है, आज हर एक कोर्ट का न्यायाधीश को दबाता है और अमित शाह फोन करके बोलता है उसका जजमेंट ऐसा ही आना चाहिए। इस बात आज देश की प्रजा देख रही है। आज हमने जैसे बुजुर्ग को बाहर आना पड़ा, आज देश का जवान को बाहर आना चाहिए। इसी बदले में हम बुजुर्ग एक बुजुर्ग आज मैं बुजुर्ग तरीके आज बाहर आया हूँ और मैं इतना जो जरूर ज्यादा नहीं बोलूंगा पर इतना जो जरूर कहेगा एक लोकशाही का विरुद्ध आज जो पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ है उनके जो जेल में डाला है उनका हम पूरा लड़ेगा और हम लोकशाही के बचाने का कोशिश करेगा। जय हिंद जय भारत को।
आंदोलन ये आज शुरू हुआ है, एक चिंगारी है, आने वाले समय में ज्वाला बन के निकलेगा। और ये जो दिल्ली में डेमोक्रेसी को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा, पुलिस स्टेट निर्माण करने की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बढ़ रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा आंदोलन और डेमोक्रेसी फिर बहाल होगी। आप एक कानूनी तौर पर क्या कहना चाहेंगे, ऐसे ऐसे मामले जब हो रहे हैं, देश की पुलिस की चार्जशीट कहती है कि एक सांसद में गिल्टी है, उसके बावजूद इसके पर कार्रवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ईडी को बोलता है कि आपके पास कोई सबूत है कि नहीं, फिर भी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो इससे क्या कहना चाहेंगे? हमें दुख है कि हमारा संविधान हमें सबके साथ एक साथ न्याय करने का अधिकार देता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने का अधिकार देता है, फिर भी हमारे जो शासक हैं वो अपने हित के लिए वो पिट एंड चूज पॉलिसी अपना रहे हैं, जो महागुनहगार हैं उनको तो बचा रहे हैं और दूसरे जो बेचारे निर्दोष हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि दहशत निर्माण हो और इस देश से लोकशाही खत्म हो। लेकिन जनता अभी जाग रही है धीरे धीरे, ऐसा होने नहीं पाएगा, डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इस देश में सेकुलर लोकतंत्र बहाल होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि भूषण है, मैं वसई विरार का एक आम आदमी हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो जन आक्रोश मोर्चा निकाला है, ये जन आक्रोश मोर्चा मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार ने किस तरह पत्रकारों पे जोरदार हमला बोला है। पत्रकार पे हमला बोलने का मतलब ये है कि आप देश की आवाज को दबाना चाहते हैं। पत्रकार पर हमला करने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जनता गुंडी हो जाए। मोदी जी, यह कभी संभव नहीं होगा, चाहे आपके पास कितना भी अंबानी अडानी किसी का भी फंड हो जाए, आप एक सपने में जी रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान का एक एक नागरिक के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति आस्था जिंदा है, वो भी तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी, आपको नींद से जागने की जरूरत है, आप एक नशे में धुत हैं, तभी आपकी इतनी हिम्मत हुई है कि आपने पत्रकारों का अरेस्ट किया है, विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है, धिक्कार है आपके जैसे नेता के ऊपर। विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में संसद में एक सांसद विदुरी जी, उन्होंने सरेआम अपशब्द बोले, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार का पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि सारा कानून जो भी है विपक्ष के लिए होगा, पत्रकार के लिए होगा, उन पत्रकारों के लिए जो उनके खिलाफ बोलेगा। मोदी सरकार ने खुली छूट दे रखी है अपने एमपी को, अपने एमएलए को, तुम सांसद के अंदर गाली दो, मोदी सरकार को छूट मिली हुई है। मोदी सरकार के एमएलए और एमपी ब्रिजभूषण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, कौन है वो? मणिपुर में क्या हो रहा है? मोदी सरकार अपने स्टेट के अंदर क्राइम करने के लिए, महिला पर जुर्म करने के लिए मोदी ने बिल्कुल छूट दे रखी है। मोदी सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। 2024 में देश की जनता, इंडिया वर्सेस मोदी का लड़ाई होने वाला है और इसमें इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा। मैं सांसद ब्रिजभूषण जी की बात हो रही, तो आप उसके लिए आंदोलन कर चुके हैं, दिल्ली तक जा चुके हैं, यस, उसके बावजूद गिल्टी सांसद ब्रिजभूषण को लेकर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि हाँ, इन्होंने कई बार उन स्पोर्ट्स पर्सन महिलाओं के साथ में गलत हरकतें की, उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, एक तरफ सांसद संजय सिंह के ऊपर इस तरह की गिरफ्तारी हो रही, क्या कहना चाहिए? ये सर्वविदित है कि जब से मोदी सरकार आई है ये अपने प्रशासनिक जैसे ईडी सीबीआई इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। जब कोई व्यक्ति के परिवार से, सांसद के, विधायक के घर से लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं तो उस पर ईडी कार्रवाई नहीं करती। ये बीजेपी का फॉर्मूला है कि डराओ धमकाओ, जो मेरे साथ आ जाए वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे नारायण लाल है, आपके मत विश्व शर्मा असम के सीएम जो है, जितने भ्रष्टाचारी है सब भ्रष्टाचारी को मोदी सरकार अपने आप में मिलाना चाहती है और उसके बाद वो पाप मुक्त हो जाते हैं। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनके घर से एक रुपया नहीं निकला है, उनको ईडी अरेस्ट कर देती है। हमारे मनीष सिसोदिया, जिनके पास से कुछ नहीं निकला, उनको महीनों सैलों सालों से जेल में रखा है। ये मोदी सरकार जो, जब कोई दीपक बुझने वाला होता है बहुत फड़फड़ाता है, इसी प्रकार मोदी सरकार का दीपक भी बुझने वाला है 2024 में, इसलिए तरफ फड़फड़ा रहे हैं। और जितने भी अपोजिशन के लीडर है, पत्रकार है, उनको डरा धमका के चुप रहना चाहते हैं, लेकिन यह लोकतंत्र है, ये कभी चुप होने वाला नहीं है। 2024 मोदी के लिए चैलेंज है, 2024 मोदी जी जाने वाले हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो चूंकि अभी हमारे मित्र सुमित्रा नंदन जी ने बोला कि ये ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूँ ईडी का वो केस, बहुजन विकास अघाड़ी के
मुखिया के यहाँ जब ईडी का रेड पड़ा, 71 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ, क्या हुआ मोदी जी, क्या सेटलमेंट हो गया? अब बताइए वसई विरार की 30 लाख की जनता को बताइए, और वसई विरार के भाजपा के नेताओं जो यहाँ के वसई विरार का कल्याण करने का ठेका लेते हैं और नौटंकी करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, पूछो अपने मोदी सरकार से 71 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था कि नहीं किया था, क्या हुआ मोदी जी? सेटलमेंट की राजनीति करते हो, सेटलमेंट की राजनीति, और जनता को बेवकूफ बनाते हो। करो अरेस्ट ये बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया को। अरे मोदी जी, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, भ्रष्टाचारियों की सरदार मोदी सरकार। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुकूमशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी करता है को आगे कभी मैडम अपना समर मैडम भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं 3 अक्टूबर को सुबह सुबह 6 बजे भारत देश के कई पत्रकारों के घर पे दिल्ली पुलिस ने रेड कर दी। सुबह 6 बजे आम पत्रकार सरकार बताते हैं इन्होंने फंड लिया है बाहर से, मगर सवाल यह है कि उनके हाथ में कोई भी पुरावा नहीं है। पिछले 45 दिनों के इसके 45 दिनों से इसके बारे में पूछताछ वो चल रहे थे, वो पूछताछ में कुछ ना निकलने के बावजूद उन्होंने ये अरेस्ट जो है वो कर दिया है। कबीर पुरकायस्ता और अनिर्बन सॉरी कबीर पुरकायस्ता और अमित चक्रवर्ती, ऐसा दो जर्नलिस्ट लोगों को यूएपीए के अंदर, आप सोचना चाहिए देश विरोधी कानून के अंदर उनका अरेस्ट हुआ है। और ये जैसे मेरे पहले बताए हुए लोग बता रहे थे, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।